हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मई यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिमिंग्स लास्ट क्लास में हमने चैप्टर ट्वेल्व कंप्लीट किया था आईसीएससी बोर्ड हारमोनियम विद योगा क्लास फिफ्थ का जो सेक्शन ए था इस बुक का और सेक्शन बी में है योगा पार्ट जिसका आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर मिस चैप्टर थर्टीन प्राणायाम जिसे हम योगिक ब्रीथिंग भी कहते हैं ठीक है लेट स्टार्ट द चैप्टर प्राणायाम इज अ संस्कृत वर्ड वेयर प्राण मीन्स द यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एंड आयाम मीन्स टू रेगुलेट और ड्रो आउट और टू एक्सटेंड प्राणायाम एक संस्कृत वर्ड है जहाँ पर प्राण का मीनिंग होता है यूनिवर्सल लाइफ और आयाम का मीनिंग होता है रेगुलेट करना ड्रो आउट करना या एक्सटेंड करना खींचना ठीक है दस इट रेफर्स टू मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया टोटली एक्सटेंशन ऑफ द प्राण और ब्रीथ और एक्सटेंशन ऑफ द लाइफ फोर्स मीन्स अपनी सांस को एक्सटेंड करना खींचना या फिर लाइफ फोर्स को एक्सटेंड करना इट इज़ ओरिजिनेटेड इन एंशियट इंडिया एंशियंट इंडिया में ये ऑरिजिनेट हुई थी क्या ऑरिजिनेट हुई थी योगिक ब्रीथिंग एंड वॉज ओरिजिनली परफॉर्म्ड बाय द योगीज और ये ओरिजनली स्टार्टिंग में कौन परफॉर्म करता था योगिक ब्रीथिंग योगीज़ करते थे हैंस ऑल्सो कॉल्ड योगिक ब्रीथिंग इसीलिए हम इसे और क्या बोलते हैं योगिक ब्रीथिंग बोलते हैं द एनशियंट सेजेज़ और योगीज सेज मीन्स होते हैं यहाँ पर जो ब्राह्मण होते हैं जो साधु महात्मा थे योगीज थे इंडिया के रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज ब्रीथिंग टेक्निक्स उन्हें इन ब्रीथिंग टेक्निक्स का ये जो ब्रीथिंग टेक्निक्स होती हैं योगी ब्रीथिंग होती है इसका सिग्निफिकेंस पता था कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्या है प्राणायाम इज डन टू कंट्रोल द ब्रीथ प्राणायाम किस लिए किया जाता है ब्रीथ कंट्रोल करने के लिए विच इज़ द सोर्स ऑफ अवर प्राण जो हमारे प्राण का सोर्स है हम इसलिए तो है क्योंकि हम ब्रीथ हम करते हैं और वाइटल लाइफ फोर्स ये हमारा लाइफ फोर्स है द वाइटल एनर्जी ऑफ प्राण कीप्स अस अलाइव प्राण की जो वाइटल एनर्जी है मीन जो हम सांस लेते हैं इसी से हम अलाइव रहते हैं जिंदा रहते हैं दीज टेक्निक्स डिपेंड ऑन ब्रीदिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स ये टेक्निक किस चीज़ पर डिपेंड करती है नोस्ट्रल से ब्रीथ करने पर डिपेंड करती है इन अवर बॉडी द प्राण फ्लोज थ्रू थाउजेंड्स ऑफ सब्सटल एनर्जी चैनल्स कॉल्ड नाड़ीज़ हमारी बॉडी में जो प्राण होते हैं वो बहुत सारे एनर्जी चैनल्स में फ्लो होते हैं हजारों एनर्जी चैनल्स से हमारी बॉडी में फ्लो होते हैं उन चैनल्स को हम बोलते हैं नाड़ीज एंड एनर्जी सेंटर्स से भी फ्लो होते हैं एनर्जी सेंटर्स को क्या बोलते हैं चक्रास विच डिटरमाइंस वंस स्टेट ऑफ माइंड जो क्या बताता है कि एक इंसान की स्टेट ऑफ माइंड कैसी है उसकी स्थिति कैसी है उसके माइंड की द माइंड रिमेन्स काम पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक माइंड जो है वो शांत रहता है पॉजिटिव वे में रहता है और एंथुसियास्टिक रहता है सही रहता है इफ़ द प्राण लेवल इज हाई कब होगा अगर प्राण लेवल हाई है प्राण लेवल हाई होगा तो माइंड काम पॉजिटिव रहेगा और एंथुसियास्टिक रहेगा एंड इट्स फ्लो इज कंटिन्यूस स्मूथ एंड स्टडी अगर प्राण लेवल हाई होगा तो उसका फ्लो जो एनर्जी चैनल से जो प्राण फ्लो हो रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस होगा रेगुलर होगा मीन्स स्मूथ होगा स्टडी होगा स्पीड में होगा यू मस्ट डू दिस योगिक प्रैक्टिस इन द प्रेजेंस ऑफ अ गुरु और टीचर हमें ये योगिक प्रैक्टिस कौन सी योगिक प्रैक्टिस योगिक ब्रीथिंग की जो प्रैक्टिस है प्राणायाम की जो प्रैक्टिस है वो एक गुरु या टीचर की प्रेजेंस में ही करने चाहिए डू नॉट प्रैक्टिस इट अलोन कभी भी हमें इसे अकेले नहीं करना चाहिए सम कॉमन प्राणायाम्स इंक्लूड ब्राह्मणी भस्त्रिका एंड नाड़ी शोधन प्राणायाम कुछ कॉमन प्राणायाम्स के नाम क्या हैं भ्रामरी भस्त्रिका एंड नाड़ी शोधन प्राणा प्राणायाम इफ़ डन रेगुलरली अगर हम इसे रेगुलर बेसिस पे करें डेली करें इट इंक्रीज एंड एनहेंसेज द क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्राण वो क्या करता है प्राण की क्वालिटी और क्वान्टिटी क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों चीज़ों को इंक्रीज़ कर देता है इम्प्रूव कर देता है क्लियर्स ब्लॉकड नाड़ीज एंड चक्रास जितने भी हमारी बॉडी में नाड़ीज और चक्रास ब्लॉक्ड हो जाते हैं उन्हें भी क्लियर कर देता है सो दैट द वन कैन फील एनर्जेटिक इन सेब से क्या होता है कि एक इंसान को जो, जो इसे करेगा उसे एनर्जेटिक फील होता है एनर्जी आती है उसमें एंथुसियास्टिक हो जाता है और पॉजिटिव हो जाता है तो इसलिए ये हमें रेगुलरली करनी चाहिए क्या यौगिक ब्रीथिंग और प्राणायाम रिसर्च हैव शोन दैट इफ़ प्राणायाम इज़ डन रेगुलरली बहुत से लोगों ने बहुत से साइंटिस्ट ने रिसर्च भी करी हैं कि अगर प्राणायाम को हम रेगुलरली करते हैं इट हेल्प्स टू क्योर अस्थमा अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है वो भी क्योर करी जा सकती है ठीक हो जाएगी वो ओके इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स प्राणायाम करने से जो स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं जो स्ट्रेस से प्रोड्यूस होती हैं उसमें भी बेनिफिट मिलता है स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर कौन से होते हैं जैसे सच सचस एनजाइटी एंड डिप्रेशन एंड एग्जाइटी होती है और डिप्रेशन जो होता है ऐसी बीमारियों को भी क्या होता है प्राणायाम से उसे हम क्योर कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना इसका इम्पॉर्टेंस है है ना इन दिस लेसन इस लेसन में वी विल लर्न अबाउट भस्त्री का प्राणायाम बेलोज ब्रीथ भस्त्री का प्राणायाम के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम को बैलोज ब्रीथ भी बोलते हैं फॉलोइंग आर द थ्री स्टेप्स टू डू भस्त्रिका प्राणायाम प्रणायाम थ्री स्टेप्स फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं यहाँ पर है स्टेप वन ब्रीथ इन डीपली थ्रू योर नोस्ट्रेल्स नोस्ट्रेल्स जो होते हैं उनसे हमें डीप ब्रीथ लेनी है फर्स्ट उसमें क्या होगा फील द डायफ्राम मूव डाउन हमारा जो डायफ्राम होता है बॉडी में चेस्ट पे जो चेस्ट के अंदर जो डायफ्राम होता है वो डाउन जाएगा अलाउंग अलाउंग द लंग्स टू एक्सपेंड लंग्स हमारे उससे क्या होंगे फिर एक्सपेंड हो जाएंगे क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे एंड फोर्सिंग द एबडोमन आउट और हमारा जो एबडोमन है जो हमारा पेट है वो क्या होगा बाहर की तरफ आएगा थोड़ा सा होता है ना जब सांस लेते हैं देन फील यू देन फील योर चेस्ट एक्सपेंड विद योर कॉलर बोन्स राइजिंग लास्ट उसके बाद अपने जो आपकी जो चेस्ट एक्सपेंड कर रही है बोन्स के साथ वहाँ तक क्या करना है आपको उसे फील करना है कि कितनी एक्सपेंड कर रही है ये तो आपका फर्स्ट स्टेप है मेनली इसमें आपको क्या करना है डीप ब्रेथ लेनी है नॉस्ट्रल से ओके okay? जितना आप ले सकते हो उससे एक्स्ट्रा नहीं नेक्स्ट स्टेप में क्या है सेकेंड स्टेप ब्रीथ आउट क्विकली थ्रू योर नॉस्ट्रल्स जो आपने जैसे ब्रीथ इन डीपली किया था ऐसे ही उसे आउट कर दीजिए क्विकली जल्दी फील योर कॉलार बोन्स ड्रॉपिंग उसमें क्या होगा आपकी जो बोन्स हैं वो ड्रॉप करेंगी तो मतलब अंदर जाएंगी चेस्ट डिफ्लेट हो जाएगी आपकी डिफ्लेट होता है मीन्स जैसे आप सांस लेते हो तो वो एक्सपेंड करती है चेस्ट और डिफ्लेट हो गया कि वो नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगी एंड एबडोमन श्रिंकिंग एज द लंग्स को और लंग्स को होंगे जिससे क्या होगा हमारा पेट भी श्रिंक हो जाएगा है ना अंदर चला जाता है जब जैसे हम एक्जेल करेंगे दिस प्रोसेस ऑफ एक्जेलिंग शुड बी मच फास्टर देन द प्रोसेस ऑफ इन्हेलिंग एक्जेलिंग हमें जल्द ही करनी होती है एक्जेलिंग में ब्रीथ आउट कर देना इन्हीलिंग होता है हमारा ब्रीथ इन करना ठीक है तो उस प्रोसेस को एक्सेलिंग का प्रोसेस फास्ट होना चाहिए एज कंपेयर्ड टू प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ओके स्टेप थर्ड रिपीट द प्रोसेस इस प्रोसेस को हमें रिपीट करना है ऐसा नहीं वन बार करा तो हो गया काम नहीं इफ़ यू डू इट करेक्टली अगर आप इसे सही से करोगे योर चेस्ट विल एक्सपेंड आपकी चेस्ट क्या होगी एक्सपेंड हो जाएगी वैन यू ब्रीथ इन जब ब्रीथ इन करोगे एंड डिफ्लेट वैन यू ब्रीथ आउट और जब आप ब्रीथ आउट करोगे तो वो डिफ्लेट होगा होगा आप खुद देखिए जैसे नॉर्मल ब्रीथ करते हो तो ऐसे ही लगता है कंटिन्यू डूइंग दिस फॉर टू थ्री मिनट्स ये सिर्फ आपको दो से तीन मिनट के लिए ही करना है ओके स्पीड अप योर ब्रीथिंग विथ प्रैक्टिस जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो आप तो अपनी ब्रीथिंग की स्पीड को क्या कर दी करिए स्पीड अप करिए ठीक है पहले धीरे धीरे स्टार्ट करिए जगह स्टार्टिंग में और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपको वन वीक हो गया टू वीक हो गया करते करते तो उसकी स्पीड को बढ़ा दीजिए अब यहाँ पर हमारा छोटा भाई आएगा यंगर ब्रदर आएगा वो आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि कैसे हमें योगिक ब्रीथिंग करनी चाहिए थ्रू योर नोस्ट्रेल टेक डीप ब्रीथ एंड यू फील दैट योर चेस्ट इज एक्सपेंडिंग

एज कंपेयर टू द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग इनहेलिंग की प्रोसेस थोड़ी फास्ट होनी चाहिए ओके एंड वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट टू टू थ्री मिनट्स रेगुलरली माधव प्लीज डू अगेन टेक इन डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट डीप ब्रीथ ब्रीथ आउट सो गाइज यू हैव टू फॉलो दिस दीज स्टेप्स अबाउट टू टू थ्री मिनट्स एंड जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाए तो आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं और आपको डीप ब्रीथ तब तक लेनी है जब तक आप उसे कर सकते हो ओके सो गाइस आपने देखा कैसे हमारे भाई ने स्टेप्स आपको करके दिखाया भस्त्रिका प्राणायाम के अब हम इसके पढ़ेंगे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ओके अ नंबर ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट्स एडवाइस प्राणायाम फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो प्राणायाम अच्छा बताते हैं एडवाइस देते हैं प्राणायाम को के लिए किन के लिए फिजिकल हेल्थ के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी ओके फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम प्राणायाम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं फर्स्ट है इट इम्प्रूवज द रेट ऑफ ब्रीथिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग इम्प्रूव होता है ब्रीथिंग रेट इट रिड्यूसिस द हार्ट रेट विच लीड्स टू फिटनेस हार्ट रेट नॉर्मल रखता है जिससे फिटनेस हमारी सही हो जाती है इट हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ एक्सेस फैट एंड वेट जो एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा वेट है उससे हमारी बॉडी को रिड मिलती है मीनस उससे छुटकारा मिलता है इट क्योर्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें क्योर करता है उन्हें ठीक करती है प्राणायाम की एक्सरसाइज इट इम्प्रूवज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी ब्लड सर्कुलेशन हमारा इम्प्रूव होता है नेक्स्ट है इट एनहेंसेज द फंक्शनिंग ऑफ सेवरल ऑर्गन्स बहुत सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी में उसकी फंक्शनिंग उसके फंक्शन करने का जो स्पीड है उसे एनहेंस कर देता है उसे और अच्छा कर देता है इंटरनल ऑर्गन सेवरल ऑर्गन्स में कौन कौन से है विच इंक्लूड्स द किडनीज पैनक्रियाज इंटेस्टाइंस डायफ्राम लंग्स एंड हार्ट इन सब की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है प्राणायाम इट रिमूव्स द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी टॉक्सिन्स हो गए जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी से so उसे रिमूव करता है इट स्ट्रेंथेंस द इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम जो है हमारी इम्यूनिटी जो होती है उसे स्ट्रेंथ देता है उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है और सिस्टम भी हमारा स्ट्रॉन्ग करता है ओके इट रिलीव स्ट्रेस डिप्रेशन एंड हाइपर टेंशन प्राणायाम करने से स्ट्रेस में आराम पड़ता है डिप्रेशन नहीं होता और हाइपर टेंशन जो होती है उसे भी उसमें भी रिलीफ मिलता है नेक्स्ट एंड लास्ट बेनिफिट इज़ इट प्रोवाइड्स डीप रिलैक्सेशन टू द बॉडी एंड माइंड हमारी बॉडी और हमारा माइंड जो है उसमें डीप रिलैक्सेशन मिलता है हमारी बॉडी और माइंड क्या हो जाते हैं रिलैक्स हो जाते हैं प्राणायाम करने से तो आपने देखा क्या कितनी इंपॉर्टेंट है और एंशेंट इंडिया से चलती आ रही है ये प्राणायाम योगिक ब्रीथिंग हमने स्टेप्स भी देखे कैसे कैसे हमें करना चाहिए और इसके हमने लास्टली हमने देखे बेनिफिट्स तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ और इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज बहुत जल्द ही मिल जाएगी तब तक हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब की करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ थैंक यू